ठीक है। तो भाई देखो, सबसे सीधी सी बात जो मैंने आप लोगों को फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर सेशन में भी बताई थी, इसमें भी मैं सेम चीज़ बताऊंगा। वैसे तो नॉर्मली फिजिक्स में से हमारे 10 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते थे। पहले तो सिचुएशन ये थी कि फिजिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, 12 से लेकर 13 क्वेश्चंस भी फिजिक्स में से पूछे जाते थे, और केमिस्ट्री और बायो का थोड़ा पोर्शन कम कर दिया जाता। ओवरऑल एवरेज इसका 30 ही रहता था, उससे ज़्यादा ड्विंडल नहीं होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार आपके मुश्किल से फिजिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे गए, ठीक है, उससे पहले भी ज़्यादा नहीं पूछे गए। मतलब फिजिक्स का एवरेज पिछले 2 एग्जाम से जो है वो अराउंड 5 के आसपास आ रहा है, मतलब 5 से भी बिलो आ रहा है अगर ओवरऑल अगर हम देखें, ठीक है। लेकिन फिर भी भाई हमें ये चीज़ एज्यूम करके चलनी है कि यूपीएससी कभी भी फिजिक्स के क्वेश्चन को बढ़ा सकती है, तो उसको हल्के में कभी मत ले, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो भी बेसिक आते हैं, बहुत ही बेसिक नेचर के आते हैं, कोई 11th 12th क्लास के लेवल का नहीं आता है। इवन 9th 10th क्लास के हार्ड कोर न्यूमेरिकल्स भी ये लोग नहीं देते हैं, वो बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड देते हैं, सिर्फ उन्हीं को देते हैं जिनमें आपका कॉमन सेंस लगता है, जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते, ठीक है। यस सर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगेन हम वही पिछले 5 सालों के करेंगे, 2020, 2021, 2022, 2023 टोटल 9 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस जो हैं हमारे वो इस वाले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो अराउंड समथिंग 80+ हो रहे हैं, वैसे तो 90 होने चाहिए, लेकिन क्योंकि बीच बीच में यूपीएससी ने क्वेश्चंस कम कर दिए हैं, तो अराउंड 80 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फिजिक्स के रहेंगे, जबकि केमिस्ट्री और बायो में अराउंड 90 ही थे। लेट्स स्टार्ट विद CDS 1 2024। थोड़ा सा अटिपिकल क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो मैंने वैसे तो क्या बोलते हैं इसमें जोड़ा था। इस बार जो आपको जुलाई का 3rd वीक का करंट अफेयर्स मिलेगा ना, उसमें हमने बात की है बेसिकली न्यूट्रिनोस की, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। 1, 2 और 3 ओनली। 1, 2 और 3 1, 2, 3, इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे, इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ हमने प्रोटॉन्स को भी ले लिया, न्यूट्रॉन्स के साथ साथ ऑल ऑफ दीज न्यूट्रॉन्स को भी ले लिया, और न्यूट्रॉन्स के साथ साथ मियोन्स जो है इनको भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में काउंट किया जाता है ना। एक सेकेंड, मियोन्स को किया जाता है ना, मैंने ये शायद कराया था पिछली बार, मुझे याद है, मियोन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे किया जाता क्या एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं ये, है ना। होते हैं सर। हाँ, इनको भी हम फंडामेंटल मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इनमें हम काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3 और 4 करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, द रेस्ट मास ऑफ हिग्स बोसोन इज एस्टिमेटेड टू बी क्लोज टू, इसका रेस्ट मास आपका 125 GeV के आसपास होता है, तो भाई किसके क्लोज होगा। 100 GeV, 100 GeV, ठीक है। इसको बाद में E=mc² जो आपकी इक्वेशन होती है उससे भी फिर आगे इसको क्या बोलते हैं एक्सपेंड किया जाता है, बट दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। हिग्स बोसन वाला ये थोड़ा हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है, कुछ एक करंट अफेयर्स की न्यूज थी उसी से रिलेटेड था, तो उसमें हिग्स बोसन के बारे में कुछ आपको बताया गया था, सो दैट्स व्हाई। ये क्वेश्चन अगर आप छोड़ के भी चले जाएंगे तो भी मतलब कि चलेगा। देखो ये क्वेश्चन नॉन साइंस वाले बंदों के लिए मुश्किल हो सकता है, साइंस वाले बंदे फिर भी इसको देख सकते हैं, लेकिन नॉन साइंस वाले इसको टोटली हटा देंगे, क्योंकि 9th और 10th में हिग्स बोसन के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है ना, इवन 11th और 12th में भी बहुत ज्यादा नहीं बताया गया है। तो फिर इस हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन छोड़ने लायक है, बट अगर आप गेस कर पा रहे हैं देन इट्स वेरी गुड। और जैसा मैंने कल बताया था आप लोगों की कि भाई हर क्वेश्चन यूपीएससी सॉल्व करने के लिए नहीं देती, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने होते, लेकिन जितने कर पाए उतने बेटर। चलो थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, ऑन अ डे व्हेन आई बीन हरी टू गो टू ऑफिस आई हैव अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ राइस विच वॉज जस्ट कुक्ड एंड कैप्ड इन अ बाउल, इन ऑर्डर टू कुक इट क्विकली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन, क्या करेगा बंदा। बोले बोले बोले, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बेटर लग रहा है ना। ये जो बाउल है जिसके अंदर आपके चावल के दाने हैं, इसको क्या करेगा, थोड़ा सा बड़े कंटेनर में रखेगा, ठीक है, जो कि इसमें पानी भरा हुआ है, तो फिर इसका टेम्परेचर इसके साथ आएगा, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम आपका होगा ए का सी के साथ में आएगा, है ना। और ये जो बाउल ऑफ वाटर है ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, ये किसके साथ खुला हुआ है, ये सीलिंग फैन की हवा लग रही है फुल स्पीड पे। तो A=C, C=B, B=A, यानी कि 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपके मात्र जो है CDS में इस बार पूछे गए थे, जिसमें से 1 और 2, ये 2 क्वेश्चन आपके थोड़े करंट अफेयर से रिलेटेड आ जाते हैं, अटिपिकल क्वेश्चन आते हैं जिनको सॉल्व करना मैं आप लोगों से नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके नॉर्मल सिलेबस वाले पार्ट नहीं है। ये वाला भी ऑब्जर्वेशनल है लेकिन इट इज डुएबल, इसको अगर थोड़ा सा ही बंदा दिमाग लगाए तो उसको आराम से वो कर सकता है, ठीक है।
अब आ जाते हैं सीडीएस 2 2023 पे, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अ पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, पास वाली ऑब्जेक्ट अच्छे से दिख रहे हैं थ्रू हिज आईज, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, द पॉसिबल रीजन फॉर दिस डिफेक्ट। पॉसिबल रीजन जाने से पहले हम ये पहले पता करेंगे डिफेक्ट कौन सा है डिफेक्ट, मायोपिया। ये तो मायोपिया, मायोपिया है ना, फार अवे ऑब्जेक्ट क्या है बंदे ऐसे, सॉरी अब नॉर्मल सॉरी नॉर्मल विजन में फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियर रहता है, मायोपिया में नियर साइटेडनेस इसको हम बोलते हैं, है ना, इसकी वजह से फार अवे यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लरी हो जाते हैं। तो रीजन क्या है डिफेक्ट के, मैंने आप लोगों को बताए थे एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ट्रू इलोंगेशन हो जाता है ना आई लेंस का, ट्रू सर, है ना, तो कर्वेचर बढ़ गया उसका। द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, बॉल्स, फोकस बॉल्स, लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लार्ज, ट्रू, फोकल लेंथ आई लेंस की टू लार्ज नहीं हो जाती, टू स्मॉल हो जाती बॉल, टू स्मॉल, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, ट्रू, ये तो पहले वाले के एक्सटेंशन है, कर्वेचर बढ़ रहा है मतलब इलोंगेशन हो रहा है, दिस इज ट्रू, यानी कि 1 and 4 ओनली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कंसिडर अ जर्नी बाय अ कार रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ, एक ग्राफ दे रखा है आपको डिस्टेंस का और टाइम के, है ना, गिवन बिलो इन 3 पार्ट्स ए बी एंड सी, जो बंदे की जर्नी हो रही है वो ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक और सी से लेके आगे तक, मतलब ओ से लेके ए तक समझ लीजिए, ये ए वाला पार्ट हो गया, ये बी वाला पार्ट हो गया, ये सी वाला पार्ट हो गया, 3 लेग्स में जो है उसकी जर्नी हो रही, ठीक है। तो भाई स्पीड ऑफ द कार इन दीज पार्ट इज, इसमें वी ए थी, इसमें वी बी थी और इसमें वी सी थी, तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई करेक्ट ऑर्डर क्या होगा इसका, बताइए भाई सर, वी बी वी ए वी सी, वी क्या, वी बी पहले, वी बी पहले आएगा, क्यों आएगा भाई सर, बहुत कम टाइम में हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हमारा स्लोप क्या है, ये स्लोप रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, वेलोसिटीज, बिल्कुल ठीक है, स्पीड, सॉरी सॉरी स्पीड कर रहे हैं, वेलोसिटी क्यों कर रहे हैं, ये हमारे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस किस हिसाब से आपका चेंज हो रहा है, ये उसी को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, है ना, वो उसकी ये डेफिनेशन किसकी होती है, ये डेफिनेशन होती है हमारी स्पीड की, है ना, और यहाँ पर हमारा वी जो है ये आपका स्पीड डिजिग्नेट कर रहा है ना, और स्पीड विल बी इक्वल टू कि भाई कितना आपका चेंज आया है डिस्टेंस में, है ना, और कितना आपका चेंज आया है टाइम में, इसके बेसिस पे देखा जाता है ना, तो इस बेसिस पे अगर हम बी वाला स्लोप देखते हैं तो इसमें शार्प हमें जो है इंक्रीज देखने को मिलता है, तो फिर इससे पता चलता है कि वी बी इज ग्रेटर देन बी ए एंड बी ए इज ग्रेटर देन बी सी। अब कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, रेडियस भाई इसका 50 सेंटीमीटर है, इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैप्ड एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, एट इंफिनिटी, इस पर इंफिनिटी, इंफिनिटी पे, क्यों, वैसे तो मैं डायग्राम बताया है उसके बाद में सर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ पे अगर हम रखते हैं तो इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है। हाँ देखो, ये हमारा 50 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना, रेडियस ऑफ कॉनकेव मिरर है हमारा भाई, कॉनकेव मिरर और रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर, इससे एक आपकी इमेज जो है एक ऑब्जेक्ट की बनाई जा रही है जो कि रखा हुआ है आपका डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर मतलब कि वो रखा हुआ है आपका फोकल लेंथ पे या फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस केस में इमेज क्या, पोजीशन क्या होगा, तो भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाता है कॉनकेव मिरर में, उसकी जो इमेज है वो हमेशा बनती है इन्फिनिटी पे। इफ द मून इज ब्रॉट क्लोजर टू द अर्थ सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून विल बी उसका मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, मून का रहेगा, और क्या होगा, मास जो हमारा अर्थ का रहेगा, और डिवाइड किससे होगा, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड स्क्वायर से, है ना। तो अगर मून हमारा क्या बोलते हैं दुगना है साइज में, यानी कि ट्वाइस है ना, तो अट्रैक्टिव फोर्स जो आपकी अर्थ की और मून की लगेगी वो भी आपकी दुगनी लगेगी, सीधी सी बात है ना। तो उस केस में अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो उस फॉर्मूले से जो है हमारा क्या आता है,
कि भाई जो आपका ओरिजिनल वैल्यू है उसके 4 टाइम्स जो है ना, इसमें क्या बोला गया है कि मून को हम अर्थ के क्लोज इतना ला रहे हैं कि डिस्टेंस अर्थ जो अर्थ के बीच का है वो हाफ हो जा रहा है ओरिजिनल डिस्टेंस का, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अर्थ और मून के बीच में क्या हो जाएगी, आपकी दुगनी हो जाएगी, सॉरी क्या बोलते 4 टाइम्स हो जाएगी, इंक्रीज टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। हाँ ठीक है, मतलब अगर डिस्टेंस अगर आपका हाफ हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी वो है 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके ठीक है ठीक है, डिस्टेंस हमारा जो है हाफ कर दिया, ठीक है, तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी फोर, सर इनवर्स रिलेटेड है हाँ वही वही। चलो, सोनिक बूम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, है ना, तब सोनिक बूम क्रिएट होता है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ पेंडुलम एट डिफरेंट पोजिशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दैट, ठीक है बताइए। सर सी, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, द पेंडुलम यस सर, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजिशन आर, ये आंसर होना चाहिए वैसे तो। द पेंडुलम एज सेम पोटेंशियल एनर्जी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजिशन क्यू एन एस एट पी एन टी, नहीं, ठीक है सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज द स्पीड ऑफ साउंड द मैक्सिमम, देखो सबसे पहली बात तो हमको ये बताया कि साउंड की स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है ना, और उसके साथ साथ सॉलिड में आपकी जो एवरेज स्पीड पाई जाती है दैट इज 6,000 मीटर पर सेकेंड, और स्टेनलेस स्टील में पाई जाती है 5,100 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ग्लास भी तो सॉलिड है, ग्लास में कितनी है? ग्लास में समवेयर अराउंड 4,000 से 5,000 के बीच में वेरी करती है, ये अलग अलग ग्लास के टाइप पे वेरी करती है, ग्लास का कोई एक टाइप तो होता नहीं ना, तो ग्लास के अलग अलग टाइप पे वेरी करती है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड बी विद अ वेलोसिटी वी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल, क्या भैया होगा सही इसमें? सर राइट हैंड रूल के हिसाब से सी। फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन वी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखो भाई फोर्स हमारी जो भी कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है वो जो आपका फोर्स एफ को एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब कि कोई भी पार्टिकल जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वी से रिप्रेजेंट की है, वेलोसिटी हमारी वी से रिप्रेजेंट की है, तो फोर्स कोई भी चार्ज पार्टिकल जब वी से मूव कर रहा है वेलोसिटी वी के साथ में, तो वो मैक्सिमम कब होगी? जब हमारे वी और वी क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। इसमें एक आपका फॉर्मूला भी आता है वैसे तो, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स वाला फॉर्मूला आता है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या बोलते हैं जनरली चार्ज जो भाई हमारा होता है पार्टिकल का, उसको हम डिवाइड कर देते हैं वेलोसिटी से, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं वेलोसिटी से, और उसके बाद में उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से, और फिर उसके बाद में उसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एंगल से करते हैं, सॉरी साइन एंगल रहता है आपका, साइन एंगल किसका रहता है, ये रहता है भाई इन दोनों के बीच का ये जो एंगल रहता है ना, ये वेलोसिटी वेक्टर बेसिकली इसको कहा जाता है, इससे इसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, एंड चार्ज हो गया आपका, वेलोसिटी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, साइन एंगल हो गया, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चारों चीजें कवर हो रही है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम तब होता है जब ये आपका 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, तो ऑप्शन विल बी एफ इज मैक्सिमम व्हेन वी एंड वी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फारेनहाइट टेम्परेचर स्केल्स, एफ यानी कि AC+32 क्या? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी डी है, डी है। डी सही है वैसे तो, देखो जब हम फारेनहाइट से सेल्सियस में करते हैं तो कौन सी इक्वेशन लगती है, कन्वर्शन फॉर्मूला क्या लगता है? सॉरी हाँ क्या बोलते हैं, हम फेरेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो फेरेनहाइट से सेल्सियस के लिए सेल्सियस यहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा, 5/9 होता है 5F-32, जो भी फेरेनहाइट की वैल्यू वो यहाँ पर रखती है आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू मिल जाती है। सिमिलरली अगर आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आती है, जो भी टेम्परेचर आपका फेरेनहाइट पे है 9/5 टेम्परेचर ऑफ
क्या बोलते हैं सेल्सियस +32, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ लाइट बीम फ्रॉम आर रियर टू आर टेस्ट मीडियम। हमारी जो लाइट बीम है वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है आपके रियर मीडियम से ज्यादा डेंस वाले मीडियम में। ये हमारा नॉर्मल हो गया, अब वो भाई ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो अब क्या फिनोमेना होगा आगे? बेंड्स टू अ लाइट बीम ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रियर मीडियम टू अ डेंस मीडियम स्लोली टर्न्स नॉर्मल और स्पीड स्लोस डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। बिल्कुल सही है ना, ये क्या करती है भाई, आपकी देखो नॉर्मल पाथ उसका ये होना चाहिए, लेकिन वो आपका टर्न लेती है नॉर्मल की तरफ। क्यों लेती है नॉर्मल की तरफ? क्योंकि जब भी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में लाइट की रे रिफ्रैक्ट करती है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है या फिर उसका जो बेंडिंग है वो नॉर्मल की तरफ होती है, ठीक है। ऑप्शन ए। सीडीएस बर्न 2023 को देख लेते हैं भाई। अ पर्सन बर्न अ फायर क्रैकर इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ, ठीक है, एक पहाड़ के सामने उसने जो है फटाका फोड़ा और उसका इको जो है उसको 5 सेकंड बाद सुनाई दिया एक धमाके के साथ, बस्ट के साथ में। द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ सॉरी द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड इज क्लोज टू, यानी कि आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है उस इंसान का और ये जो क्लिफ है इसके बीच का, अगर साउंड की स्पीड जो है 340 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर उसने फटाका फोड़ा है ना, फटाई 5 सेकंड बाद उसको पता चली, तो भाई अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पहले बताओ। आंसर नहीं चाहिए मुझे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस टू और हाफ टाइम होता है ऑन टाइम। हां तो भाई डिस्टेंस को 2x लेंगे, क्या लेंगे 2x, क्योंकि डबल फॉलो करेगा ना वो, पहले जाएगा लास्ट को डिस्टेंस को हाफ कर 340 लेंगे, टाइम कितना आ जाएगा 5 सेकंड, 5 सेकंड आ जाएगा है ना। तो अगर इस केस में अगर हम देखें यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए, तो स्पीड को अगर हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी डिस्टेंस पूछा जा रहा है ना हमसे, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल होगा स्पीड इंटू टाइम है ना, स्पीड इंटू टाइम यानी कि 340 × 5 = 22 × 5 = 15 × 16 = 1700 मीटर जो है ये हमारा आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन हमसे पूछा गया डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ है ना, यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलती कर देते, क्या गलती कर देते हैं, वो इसी को मान लेते हैं है ना, यहाँ पर इको की बात की जा रही है ना, तो यानी कि वो गया साउंड फिर वापस आया, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटू टू करेंगे या इंटू हाफ करेंगे, इंटू हाफ, इंटू फाइव करेंगे है ना, इंटू हाफ करेंगे तो 2 8 16 0 0 0 कितना आएगा भाई हमारा 850 मीटर, ठीक है, ठीक है, आया समझ? यस सर। ऐसे अगर बहुत सारे सिंपल न्यूमेरिकल दिए जाए ना तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा कैच उनमें देखने को आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द माइक्रोफोन एंड द स्पीकर ऑफ अ मोबाइल फोन, ठीक है। द आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो हमारे वो सही है। द माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू अ मैकेनिकल सिग्नल, फॉल्स। द माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ट्रू। बिल्कुल सही। द स्पीकर कन्वर्ट्स अ मैकेनिकल सिग्नल टू साउंड, फॉल्स। द स्पीकर कन्वर्ट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू साउंड, ट्रू। ट्रू, 2 and 4 ऑनली। अ 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर 10 आवर्स पर डे, 10 घंटे पर डे आपका 100 वॉट का इलेक्ट्रिक बल्ब यूज किया जाता है। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आर कंज्यूम बाय द बल्ब इन 3 डेज, 3 दिनों के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक यूनिट है वो आपकी बल्ब के द्वारा कंज्यूम की जाती है। एक यूनिट की वैल्यू है 1 kWh दी गई है। सबसे पहले आप लोगों को मुझे आंसर नहीं चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, आप मुझे मेथोडोलॉजी बताइए कि आप कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछूं, आप मुझे डायरेक्ट उनके आंसर देना। पावर हमारी बल्ब की कितनी है, 100 वॉट आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो ड्यूरेशन या फिर टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 आवर्स, 10 आवर्स बट पर डे, ठीक है। और आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं ड्यूरेशन इन टर्म्स ऑफ डेज कितनी है, 3 डेज, 3 डेज का रखिए है ना, यानी कि टोटल अगर ड्यूरेशन या फिर टाइम हम देखेंगे तो 30 आवर्स हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें टोटल एनर्जी जो बल्ब के द्वारा कंज्यूम की जा रही है, जो एनर्जी कंज्यूम की जा रही है बल्ब के द्वारा, वो हम कैसे पता करेंगे, हम पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे
इस पूरी ड्यूरेशन के साथ में पावर कितनी है, 100 वॉट है ना, और ड्यूरेशन कितना है भाई हमारा, 3 days, 30 hours. 30 hours हो गया, आंसर आएगा 3000 वॉट आवर्स. ठीक है इसको, लेकिन भाई 3000 तो आंसर हमारा है नहीं, लेकिन एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, किलोवाट, 1 किलोवाट. 1 किलोवाट में कितने वॉट आवर होते हैं, 1000 होते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 3 किलोवाट. चलिए भाई आप एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन यानी कि कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है भाई हमारा. इससे हमें क्या पता चलता है, मैंने आपको बताया था इसकी जो एरिया रहता है वो एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. T1 से लेके T2 के बीच में हमें जब डिस्प्लेसमेंट पता करना होता है तब हम यूज करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को. वेलोसिटी जो आपका एसोसिएटेड रहता है किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, डिस्टेंस के साथ कि डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी तो भाई हमारा डिस्प्लेसमेंट के साथ रहता है ना, तो फिर आप क्यों डिस्टेंस बोल रहे हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट. द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज, फॉर्मूला क्या रहता है, 1/f कितना होगा, 0.1 डायोप्टर. 10, लेकिन 10 सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0.1. कितना, 0.1. पॉइंट वन है ना, ये जीरो यहां से हटेगा तो यहां पर क्या आएगा, 10 आएगा, तो पावर कितनी डायोप्टर हो जाएगी, 33 ओम के भाई आपके जो है तीन रजिस्टर्स को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में, उनका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस हमें जो फाइंड करना है तो वो कैसे आएगा, फॉर्मूला क्या रहता है, 1/R1R2 टोटल हो जाएगा इज इक्वल टू 1/R1 जो कितना है 11 प्लस 1/R2 दैट इज 22 प्लस 1/R3 यानी कि 33. कैलकुलेशन करो कोई मतलब फॉर्मूला ये यूज होगा तो आंसर इससे क्या आना चाहिए भाई हमारा, 11, 22, 33 यानी कि आपका डिनोमिनेटर में आएगा कितना, 66 प्लस 3 आएगा ना, यस सर, 3 प्लस 2 6, 3, 9, 10, 11 by 66 यानी कि 1/6 आ जाता है, तो आर टोटल की वैल्यू जो है 1/R टोटल आ जाएगा 1/6, इनका प्रॉपर वैल्यू निकालेंगे तो आर टोटल विल बी इक्वल टू 6 ओम. ठीक है यही आंसर है ना, ये निकल रहा है, यस सर. ठीक है ये भाई देखो इतने बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, इतने तो आप आराम से कर सकते हो. चलिए भाई द आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेड लाइव वायर एंड द ब्लैक न्यूट्रल वायर इन इंडियन डोमेस्टिक सप्लाई इज, सबसे पहले आप आंसर देने से पहले मुझे बताइए कि आरएमएस क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर. ठीक है तो ये रूट मीन स्क्वायर हमारा क्या होता है, ये आपका सॉरी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 220 वोल्ट रहती है. ठीक है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस पूछा ना, तो ये ये 220 में से आपको रेड में दिखेगी कि ब्लैक में, सर लाइव वायर में, लाइव वायर में हमारा 220 का पोटेंशियल रहेगा, और ब्लैक न्यूट्रल वायर में कितना रहेगा, जीरो वोल्ट रहेगा भाई, ये तो न्यूट्रल है ना. द हाइड्रोजन बॉम्ब एंड द यूरेनियम बॉम्ब आर बेस्ड रिस्पेक्टिवली ऑन फिजन एंड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, साउंड एंड लाइट वेव्स आर
साउंड वेव्स तो भाई हमारी प्रेशर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हमारी लाइट वेव्स हैं, है ना? तो साउंड और लाइट होगी लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स. A car moving at the speed of 12 meter per second is subjected to brakes which produces a deceleration of 6 meter per second. ठीक है, कार जो है हमारी वो 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रही है, स्पीड के साथ मूव कर रही है, यानी कि स्पीड हमें पता चल गई. ठीक है, उसमें ब्रेक लगाए तो उसका डीएसेलरेशन हुआ है 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से. द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स. ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद दो सेकंड जो है कार ने लिए हैं. और व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार व्हेन द आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स. ठीक है, कितना डिस्टेंस जो है भाई कार ने हमारा कवर किया है ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद. ठीक है, तो इसमें तो भाई हमारी ट्रायल वाली इक्वेशन लगेगी. कौन सी इक्वेशन लगेगी? s equals to ut plus half at ut plus half v is equal to a square plus 2as. ठीक है, देखो मैं बता देता हूं सर, दोनों दोनों स्क्वायर ये उससे भी निकल जाएगा आंसर. हां उससे भी निकल जाएगा लेकिन मुझे इससे याद. ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं u की वैल्यू कितनी आएगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड. 12 मीटर पर सेकंड. एक्सीलरेशन कितना है? -6. ये माइनस वाला चीज मत भूल जाना क्योंकि भाई आपका डिसेलरेशन हो रहा है. टाइम कितना दे रखा है? 2 सेकंड. अच्छा, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 क्योंकि भाई हमारी कार जो है वो रुक गई है. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as को फॉलो करेंगे, 0 हो जाएगा. u स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 2 इंटू माइनस 6 इंटू कितना आ जाएगा भाई हमारा 1 सेकंड. हाँ, डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं ना, तो 12 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 6 इंटू एस हमें नहीं पता है, तो अगर इससे निकालेंगे 12 एस हो जाएगा, यहाँ पर 0 है, 12 एस इधर जाएगा, 144 इधर है, 12 जब हो जाएगा भाई हमारा 144, एस की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है 12 मीटर की. ठीक है, ये भी हम निकाल सकते हैं. और वो जो दूसरी इक्वेशन बताई थी वो भी है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं. डिस्टेंस हमारा 12 भी आ रहा है ना? यस सर. ठीक है, 12 मीटर हमारा डिस्टेंस है. चलो अब आ जाते हैं सीडीएस 2022 पे. ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 केजी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. मास आपका 10 केजी दे रखा है, स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है 10 मीटर पर सेकंड एंड है, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की है वो अब कितनी हो जाएगी, ये बताइए. सबसे पहले मास 10 केजी दे रखा है हमारा, है ना? वेलोसिटी हमारी कितनी दे रखी है? यूनिफॉर्म स्पीड है तो यानी कि वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकंड. अब मुझे बताइए लीनियर मोमेंटम जो रहता है उसकी इक्वेशन कैसे आती है? p इक्वल टू m इनटू v यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, तो इससे हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 100. हाँ, 1000. 100 और यूनिट न्यूटन ऑब्जेक्ट का मास था, यूनिफॉर्म स्पीड थी, उसका लीनियर मोमेंटम आपसे पूछा गया और काइनेटिक एनर्जी पूछी गई, तो लीनियर मोमेंटम तो हमें पता चल गया 100 है, यानी कि सी और डी को हमने हटा दिया. अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है? हाफ एमवी स्क्वायर. ठीक है, अब एमवी की वैल्यू तो जो है वो हमें पता है, दैट इज हाफ एम इनटू 100. यहां पर एम कितना है? 10. यानी कि 1000 यानी कि 500 जूल्स आ जाती है इसकी वैल्यू. An electrical circuit having combinations of resistance and capacitance is given below. Resistance और capacitance लगे हुए हैं. The current flowing through the circuit will be current हमारा क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले इसकी values को हम देख लेते हैं एक एक करके. ठीक है, हमारा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कॉम्बिनेशन है रजिस्टेंस का, एक रजिस्टेंस ये हो गया, एक रजिस्टेंस जो जो पैरल में है, एक रजिस्टेंस ये हो गया. ठीक है, इसके बाद में ये हमारा वोल्टेज हो गया, ये वी की वैल्यू हो गई. ठीक है,
और सब उनसे क्या पूछा जा रहा था, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? फिर दोनों सीरीज को जो पैरेलल में उसको पहले सॉल्व करके जो 10 ओम वन बाय की टेन प्लस वन बाय टेन यानी कि 10, यानी कि 1 + 1 यानी कि 2/10 यानी कि 5, तो मतलब यहाँ पर आर जो है हमारा टोटल 5 ओम आ गया। अब सर 10 के साथ ऐड कर देंगे उसको 10 के क्योंकि साथ ऐड कर देंगे सर जो सीरीज में है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये 10 है हाँ ठीक है, ये दूसरा वाला जो 10 है इसके साथ में हम क्या करेंगे इसको, नहीं, सर ऐड ही होता है सीरीज में, मैंने आईडी होता है सीरीज में तो मिसिंग यहाँ पे 10 पर पैसा सिस्टम की बचाव तो आर वन नहीं पाए हो जाए सर, क्या बोल रहा है, फिर से बोल रहा कैपेसिटेंस भी है। हाँ लगा कैपेसिटर को क्या बोल तो रहेगा सर वो नलीफाई कर यार, देगा ना, वो रेजिस्टेंस नलीफाई हो जाएगा सर जो 10 ओम रेजिस्टेंस है और ये उसके साथ में टेन ना। सीरीज में आ जाएगा एक सेकंड रुक जाओ, ये हमारा आर वन हो गया या आर टू हो गया, आर थ्री हो गया, अब बताओ कौन से वाले 10 को करेगा, R1। आर वन को, आर यस वन को सर, मैं तो वो कैपेसिटर कर कर लेता हूँ देगा तो आर टू को भी तो करना चाहिए, वो भी तो पैरेलल में कनेक्टेड है। सर, पैरेलल में है ना कैपेसिटेंस में उल्टा होता है, पैरेलल का अच्छा सीरीज हाँ ठीक है सर, रेजिस्टेंस ठीक है ठीक है ठीक है, R। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। आर वन हमारा जो है वो नलीफायर हो जाएगा है ना, अगर आर वन हमारा नलीफायर हो रहा है तो फिर आर टू और आर थ्री तो आपके सीरीज में आ गए है ना, तो यहाँ पर आर टोटल कितना होगा फिर हमारा, मैं वही सोचा था 15 कैसे आएगा, आर टोटल कितना आएगा, 20 होगा 20 ओम हो जाएगा है ना, तो मतलब अब आपके करंट की इक्वेशन क्या है, वी इक्वल्स टू आई आर वी इज इक्वल टू आई आर यानी कि आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी कितना है 10/20 10 अपॉन 20 हो जाएगा, वैल्यू कितनी पॉइंट निकल रही है फाइव हमारी 0.5 एम्पियर। वही मैं सोचा था कुछ मिसिंग लग रहा है। चलो तो पिच ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, किस पे डिपेंड करता है भाई फ्रीक्वेंसी साउंड की पिच, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी किस पे, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड एमीटर एमीटर मीटर अमीटर। अ मेटल वायर ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी हैज अ रेजिस्टेंस आर, ठीक है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मेटल एंड ऑफ सेम लेंथ बट हैविंग द डबल द डायमीटर, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपका बढ़ा दिया गया है, आपको पता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है ना, डायरेक्टिविटी हमारी ऐसी रहती है ना, तो फिर इस केस में ऐसा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऐसी रहता है, तो इस केस में अगर हमने क्या कर दिया है डायमीटर डबल कर दिया है, एयर ऑफ जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यानी कि वो भी आपका डबल हो गया है, तो फिर हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट आंसर मत देना, सर सिंपली कैलकुलेशन बताना। सर कैलकुलेशन थोड़ी सेम मटेरियल है ना सर, तो सेम मटेरियल है तो सेम रेजिस्टेंस तो मटेरियल आ है ही लेकिन, जाएगा सेम मटेरियल है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो आपका बढ़ गया ना, तो एरिया ऑफ सर। क्रॉस सेक्शन पहले बढ़ आर जाएगा तो आपके करंट पे फर्क पड़ेगा ना रेजिस्टेंस में, सॉरी सर एरिया पहले ऑफ क्रॉस आर सेक्शन, एक सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कैसे बताएंगे, पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से आएगा है ना, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इसको बोल लीजिए रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डायमीटर में, पाई डी बाय टू स्क्वायर पाई डी स्क्वायर, डी सॉरी बाय पाई पॉइंट फोर डी स्क्वायर आ जाएगा है ना, ठीक है, ठीक है, मेरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ रहा है पहले पहले वायर का। अब अगर हमारा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a रहता है इस इक्वेशन से, अगर हम फाइंड आउट करें तो फिर आर हमारा हो जाएगा रो, रो के बाद में ऊपर हमारा एल एल आ रहा है, नीचे ए आ रहा है, रो अगेन, यहाँ पर हमारा एल जो है एल एल तो एल ही रहेगा, ये रो आ जा रहा है, और नीचे हमारा क्या है पाई डी पाई स्क्वायर आ जा रहा है ना, एक सेकेंड फोर ऊपर फोर सॉरी ऊपर फोर आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर रो हमारा तो रेजिस्टिविटी हो गया, एल लेंथ हो गया, डी डायमीटर हो गया, एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया, तो इस केस में ये जो वैल्यू है आपकी फोर अलग से आ रही है, ये क्या बता रही है, आर इज इक्वल टू रो एल पाई डी स्क्वायर और ये आ रहा है फोर, इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हमने डायमीटर को डबल कर दिया तो फिर क्या होगा, सर रेजिस्टिविटी R/4 हो जाएगी रेजिस्टेंस जो है यहां जाके क्या हो जाएगा R/4 हो जाएगा, ठीक है, समझ आएगी, फिर से समझाऊं, यस सर आगे सकते हैं यस सर चलो यस सर आ देखते गया हैं।
आगे बात करते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑन टू द फ्लोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स यूनिफॉर्म एज इट फॉल्स. नीचे नीचे गिरता जाएगा, वैसे वैसे क्या चीज इसमें यूनिफॉर्म रहेगी? सर पिछला क्वेश्चन दिखा देना, क्या सर रेजिस्टेंस वाला दिखा देना फिर से एक बार. बताओ भाई क्या समस्या आ रही सर? हो गया ठीक है. चलो हाँ भाई, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस तो उसकी इमेज जो है फोकस ऑन द ऑपोजिट साइड कहाँ पे? उसके बाद भी ऐसी बातें करोगे, ठीक है? इन्फिनिटी पे बनेगी. ऑब्जेक्ट हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा हुआ है, तो उस केस में इमेज कहाँ बनती है उसकी? इन्फिनिटी पे बनती है. इसलिए मैंने बोला था कि जो कॉन्वेक्स हमारे जो जितने भी क्या बोलते हैं वो होते हैं ना, आपको केसेस वगैरह होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के, कॉनकेव लेंस के, मिरर्स वगैरह के, वो सारे देख लेना. इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अपर्चर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज करेक्ट? ठीक है, अपर्चर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है भाई, बताइए. सी सी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. बिल्कुल सही. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सर्फेस डिपेंड्स अपॉन सर मास और रेडियस. मास और रेडियस दोनों पे करता है ना. नाउ सीटीएस 1 2022 का देख लेते हैं. इन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस इज +2. ठीक है, मैग्निफिकेशन हमारा +2 है, यानी कि एम की जो वैल्यू है वो आपकी +2 आ रही है, मतलब आई अपॉन ओ यानी कि वी अपॉन यू. ठीक है, तो इमेज हमारी जो कैसे बनेगी? अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 से ऊपर रहता है तो इसका क्या मतलब होता है हमेशा? लेंस लार्जर इमेज. हाँ, तो इमेज जो है हमारी वो किससे लार्जर बनेगी? ऑब्जेक्ट से. ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ी बन रही है ना. और अगर मैग्निफिकेशन आपका +2 आ रहा है तो इससे क्या इंडिकेशन मिलता है? कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के ट्वाइस है, मतलब उसका साइज उसका ट्वाइस है, और ट्वाइस होने के साथ साथ वो इरेक्ट है, वर्चुअल है, और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट से बड़ी तो है ही है. वो ऑप्शन सी आ गया. एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस हैवीली. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, सही है गलत? ट्रू ट्रू. एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, ट्रू ट्रू. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ट्रू ट्रू. अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइफ वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई. भी थोड़ी देर पहले फॉल्स फॉल्स. ठीक है, करेक्ट आंसर ये हुआ. A boy completes one round of a circular track of diameter 200 meter per second. ठीक है? In sorry, 200 meter in 30 second. What will be the displacement at the end of 3 minute and 45 second? सबसे पहले सर्कुलर ट्रैक दिया है, वो बंदा क्या कर रहा है? उसका सर्कुलर ट्रैक का आपका जो डायमीटर है वो आपका 200 मीटर दे रखा है. ठीक है, डायमीटर की वैल्यू 200 मीटर दे रखी है. टाइम बता रहा है 30 सेकंड में वो क्या कर रहा है, एक चक्कर उसका लगा ले. तो 3 मिनट 45 सेकंड के एंड पे जो है इसका क्या मतलब कि डिस्प्लेसमेंट होगा? कि 3 मिनट 45 सेकंड का टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो 3 into कितना हो जाएगा? 60, यानी कि 180. 180 प्लस 45 कितना होगा? 45 सेकंड्स हो गए. ठीक है, अब अगर हम नंबर ऑफ क्या बोलते हैं रिवोल्यूशन को देखना चाहें तो उसमें सबसे ऊपर क्या आएगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस. टोटल टाइम आएगा. टोटल टाइम को हम डिवाइडेड बाय एक रिवोल्यूशन से, एक रिवोल्यूशन के टाइम से अगर हम करेंगे तो 30
होगा 36 × 3 हो जाएगा 380, 7 × 3 हो जाएगा 210, तो भाई 7, ठीक है, बचते हैं हमारे पास कितने, यार मेरी कैलकुलेशन ना बहुत खराब है, तो 37 × 210, मुझे बहुत मैनुअल तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ये 0 आएगा 0.5310, ठीक है, ये 0 आ गया, यानी कि यहाँ पर हमारे 7.5 रिवोल्यूशन आ रहे हैं, तो वो 7.5 रिवोल्यूशन अगर हमारे आ रहे हैं, है ना, तो सर तो 100 उसका रिवोल्यूशन, सॉरी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फिर, 7.5, यानी कि एक चक्कर दो इनिशियल, फॉर फॉर एग्जाम्पल ये इनिशियल और ये फाइनल होगी इसकी, है ना, 1, 2, 7.5 पे, मतलब कि आधा चक्कर उसने एक्स्ट्रा लगा लिया है, 400 मीटर का जो हमारा ट्रैक है, उस सॉरी 200 मीटर का जो ट्रैक है उसमें उसने उसका आधा चक्कर और लगा दिया है, सर 200 मीटर तो नहीं 200 मीटर डायमीटर का, है, 200 मीटर का डायमीटर है, सॉरी 200 मीटर का डायमीटर है, तो मतलब उसने आधा चक्कर लगा दिया, तो फिर कितना आंसर होगा, 200, 200 दो सौ मीटर ही होगा, है ना, क्योंकि उसने आधा चक्कर और लगा दिया है। मैं सही बता रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन बहुत खराब है, मुझे बहुत टाइम लगता है ये सर। सब पे, मैंने अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इसको ऐसे अप्रोच नहीं सर, जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो सर इनिशियल और फाइनल जो हमारी पोजीशन रहेगी जैसे 3 मिनट्स के एंड पे, मतलब कोई ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा ना जहाँ पे हमने जो चक्कर वर्क डन तो जीरो होगा एट सम पॉइंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल की जीरो हो जाएगी वर्क डन की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ, सर। तो डिस्प्लेसमेंट लेकिन वैसे नहीं कैलकुलेट कर सकते कि मतलब जब आपने एक चक्कर कर लिया तो हाँ डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो गई। हाँ तो सर उसके तो लिए पहले कुछ मेरे को ऐसी रेजोल्यूशन भी तो पता करने पड़ेंगे ना, कि भाई उसने कितने चक्कर लगाए हैं, उसके पता किए बिना आप कैसे पता करोगे भाई इस केस में, यस सर यस सर यस है सर ना, पहले आप ये तो यस सर देखोगे ना, एक चक्कर वो कितने टाइम है, इसका डायमीटर कितना है ग्राउंड का, सर्कुलर ट्रैक का, है ना, यहाँ पर उसके सर्कमफेरेंस की बात नहीं की गई है, उसके बाद में क्या बोलते हैं कितने टाइम में कवर कर रहा है, बेसिक जो काम हमें दिया गया है वही काम दिया गया है, कि भाई आप नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पता करिए, टाइम आपको दे रखा है और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए भाई कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ठीक है। ओके सर चलो भाई, व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल्ड। रिमेंड द सेम अच्छा फॉर्मूला क्या रहता है जो अभी हमने बात की था जिसका, एफ स्क्वायर एफ इक्वल्स टू जी जी एम वन एम बाय आर एल एक बाय एम बाय टी हाँ स्क्वायर या आर स्क्वायर जो भी रहता है, जी हमारा क्या रहता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट रहता है, जी की वैल्यू क्या रहती है, 6.674 × 10⁻¹¹ सिक्स ले लेते हैं इंटू 10⁻¹, आगे क्या रहता है, यूनिट यूनिट क्या रहती है, तो NM²kg-2 अरे वो तो डायमेंशंस एम एल स्क्वायर, वो तो डायमेंशंस हो जाते हैं ना, m³ kg पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे कुछ रहता है, मैं ठीक है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो है वो ये पूछा जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होगा अगर मास एक ऑब्जेक्ट का डबल कर दिया जाता है, यानी कि इसके मास को हमने 2m कर दिया, है ना, और डिस्टेंस है वो भी भाई हमने क्या कर दिया, इनके बीच का डबल कर दिया, तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखो फोर्स की वैल्यू फिर हमारी क्या हो जाएगी, एक आर सेकेंड, एफ विल बी इक्वल टू जी की वैल्यू वैसी रहेगी, ठीक है, यहाँ पर हमारा एम वैसे ही रहेगा, या फिर हमने और ये आपका एम हो गया, और यहाँ पर उसको वैल्यू हमने ट्वाइस कर, है ना, और ये हमारा 2d² हो गया, यानी कि 4d² हो गया, 2 से हमने 2 को डिवाइड किया, तो फोर्स हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो नॉर्मल हो हाँ जाएगी ना, नहीं सॉरी आप हाफ हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, हाफ हो जाएगी फोर्स, ठीक है, फोर्स विल बी हाफ, सर वो लास्ट क्वेश्चन पीछे दिखा सर, ट्रैक वाला सर, बोलिए भाई, वो ट्रैक वाला क्वेश्चन पीछे दिखा देना। ये है तो क्या समस्या आ गई, क्या सर तो इसमें डायमीटर आ जाएगा सर, डिस्प्लेसमेंट उसकी अच्छा ठीक है क्या 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 डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर हो गया सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, एन ऑब्जेक्ट वेज 9 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन द मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट वेयर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9 टाइम्स दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, देखो जो वेट है उसका 9 गुना ही हो जाएगा। अर्थ पे भाई उसका वेट कितना है, 9 न्यूटन है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, व्हाट वुड बी इट्स वेट,
व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट वेयर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी जो है वो 9 times है. तो एक्सीलरेशन ऑफ द ग्रेविटी जो उसकी किसी स्पेसिफिक प्लैनेट पे आ जाती है वो कितनी आती है, वो आ जाती है आपकी 9 times है ना अर्थ से. तो अर्थ के केस में यार कितना हो जाएगा, ठीक है. तो अगर W अर्थ को डिवाइड करेंगे W ऑफ द प्लैनेट से, सॉरी, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हमारा अर्थ की आएगी, दैट इज 9 G अर्थ है ना. नहीं 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 जी अर्थ, सॉरी जी अर्थ आएगा और यहाँ पर आएगा 9 G अर्थ यानी कि जो प्लैनेट की है. ऐसे बनेगा ना इक्वेशन आपकी. तो इससे हमें क्या पूछा क्या गया, व्हाट वुड इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट वेयर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9 times ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. प्लैनेट का वेट हमसे पूछा जा रहा है ना, तो प्लैनेट के वेट को कैलकुलेट करेंगे जिससे जी की वैल्यू आपकी घट जाएगी. तो डब्ल्यू प्लैनेट अगर आपका यहाँ पहुंच जाएगा तो फिर 9 यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू प्लैनेट. ये राइटिंग बहुत बर्बाद है यार, तो जस्ट बियर विद इट. 9 वेट ऑफ अर्थ, तो वेट वुड बी बिकम 9 times. हाँ 9 times यही आएगा ना, द वेट बिकम 9 times. समझ में आया ना? यस सर. देखो अर्थ पे भाई 9 newton वेट था आपका, जो प्लैनेट है उसकी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ की कंपैरिजन में 9 गुना ज्यादा है ना, 9 times सेट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. तो अगर हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं अर्थ का और प्लैनेट का, तो यहाँ पर हमारी अर्थ की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई और यहाँ पर प्लैनेट की जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई, जिससे जी आपका कैंसिल हो गया, बचता है 9, 9 को हमने अर्थ के आगे लगा दिया, ये यहाँ पे चला गया सिंपल. और जो वैल्यू हमारी आगे की प्लैनेट का जो वेट है वो अर्थ के 9 गुना ज्यादा हो जाए. सर इसको उसमें भी कर सकते हैं ना कि 9 newton पहले उसमें दे रखा है इनिशियल वेट और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितनी होगी उतना ही वेट बढ़ेगा. लाइक जो कंफर्टेबल लगे उसमें करो, ठीक है. ओके सर. द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट. अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 centimeters. कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 15 centimeters है, ठीक है. एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस टू गेट द रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सॉरी फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है भाई आपकी 15 centimeters. एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज. हाँ ठीक है ठीक है, 15 centimeters भाई फोकल लेंथ है उसकी, तो कितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट चाहिए ताकि उसको रियल इमेज जो है ऑब्जेक्ट की मिले सेम साइज. तो सर उसके दुगने पे कर देंगे तो 30. हाँ तो दुगना कितना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर 30. हाँ 30 centimeters, ठीक है, ये वैल्यू आपकी 30 हो जाएगी. चलो सीडीएस 2021 पे आ जाते हैं. वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ. बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस द, हाँ प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, तो जो हमें इमेज है ऑब्जेक्ट की वो कैसी मिलेगी, रियल एंड इनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन साइड अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड आर इन अ फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स. पैरेलल स्ट्रेट लाइन, यस सर. यस सर. A ray of light traveling from a rare medium to a denser medium. Rare medium से denser medium में travel कर रही, क्या होगा? Slow down कर जाए. Slow down and bend towards. हो गया भाई. Slow down and bend towards the normal. An electric circuit is consisting of a cell, an emitter and a negative wire of length L. If the length of the wire is reduced to half, यानी कि L by 2, तो emitter की जो reading है वो क्या आएगी? Sir, double हो जाएगी. Inverse भी पड़ जाएगी इस बार. क्या होगा? Double हो जाएगी. रेजिस्टेंस कम हो गया ना तो करंट बढ़ जाएगा सर. इक्वल टू आर बाय एल, सॉरी रो बाय एल बाय ए है ना. तो लेंथ अगर वायर की आपने क्या कर दी है, लेंथ आपने हाफ कर दी है, देन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल डिक्रीज टू हाफ. तो एमीटर रीडिंग आपकी इसकी वजह आई सुट गया. हाँ ठीक है, एमीटर रीडिंग जो है हमारी वो डबल हो जाएगी. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड. Larger while standing during the day and smaller
ड्यूरिंग द नाइट, लार्जर व्हाइल स्टैंडिंग देन व्हाइल लाइंग, थ्रस्ट आपका उसी हिसाब से एक्ट करेगा। एंड एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 100 मीटर इन टू, ये सेम चीज आगे भी आपकी, ठीक है। एथलीट जो है ट्रैक है उसका डायमीटर कितना है 100 मीटर है, और वो क्या कर रहा है 20 सेकेंड में उसका एक चक्कर लगा पा रहा है ना। तो वॉट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट एंड 10 सेकेंड, 1 मिनट 10 सेकेंड को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो फिर कितने सेकेंड्स आ जाएंगे, कितने 70 सेकेंड आ जाएंगे है ना। और 1 मिनट एंड 20 सेकेंड अलग अलग क्या बोलना, क्या चाह रहे साफ साफ बोलो सर, 1 मिनट अलग है और 10 सेकेंड में अलग डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट करनी है। एक सेकेंड वही तो बोलो, व्हाट विल द, अच्छा ठीक है, आफ्टर 1 मिनट एंड 10 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। हाँ वही ये गलती तो मैं नहीं करने जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या दे रखा है, डायमीटर हमारा दे रखा है, ठीक है। एक राउंड में भाई आपका जो है कितना लगता है 20 सेकेंड लगते हैं यहाँ पर, सर वो 300 हो जाएगा ना डायरेक्टली। नहीं नहीं एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, और व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट एंड 10 सेकेंड। सर दो डिस्प्लेसमेंट्स पूछी हैं। हाँ दो डिस्प्लेसमेंट पूछे गए, एक एक मिनट वाला पूछा गया, एक आपका 10 सेकेंड वाला पूछा गया है ना। 20 सेकेंड में 100 भाग रहा है, 1 मिनट में 300 भागेगा। 1 मिनट में जीरो होगा, कहती कितनी होगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर से वैल्यू कितनी निकलेगी भाई हमारी, 2 3.14 राउंड्स कैलकुलेट करके हो जाएगा सर। क्या जरूरत, तो 3 राउंड मारेगा तो वो वहीं पे आ जाएगा, वहीं पे ही आ जाएगा जहां पे है। कौन सा डिस्प्लेट है, जीरो से जीरो, और सर दूसरे में 100 मीटर होगा, जीरो एंड 100 सर, जीरो मीटर, यस सर, यस सर। फिर 10 सेकंड में फिर हाफ अप हो जाएगा वो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है वैसे, 0 100 मीटर, ठीक है। और साउंड वेव वैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 किलोहर्ट्ज़ एंड वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल 2.4 किलोमीटर, क्या फॉर्मूला लगेगा भाई इसमें। v इक्वल्स टू लैम्डा से वेलोसिटी फिर टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू n लैम्डा है ना, ये वही हमारा फॉर्मूला लगेगा। n क्या है भाई हमारा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज़ आ गई है आपकी, 4 किलोहर्ट्ज़ को हम किसमें कैलकुलेट करेंगे, हर्ट्ज़ में करेंगे ना, 4000 का आ जाएगा, 4000 आ जाएगा, 4000 हर्ट्ज़ इंटू आपका वेलोसिटी लैम्डा दे रखा है 30 सेंटीमीटर में, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितनी वैल्यू आएगी सर, 30/100 कर लेते हैं, 0.3 आ जाएगी है ना। ये आपका हो गया, आपका कितना आ रहा है 1200, यस सर ठीक है सर, हाँ 1200 आ रहा है ना, यस सर। हमसे पूछा गया हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल 2.4 किलोमीटर, ठीक है, मीटर पर सेकंड में आ रहा है ना ये, तो हमें कितना टाइम लगेगा, तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन आपका हीट आ गया, यहाँ पर वेलोसिटी आ गया है, डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, दैट इज 2.4 किलोमीटर, तो 2.4 किलोमीटर कितना होता है 2400 मीटर ट्रेवल बाय टू सेकेंड्स। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.2 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, पावर का फॉर्मूला क्या रहता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज इट सीम्स टू एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, ठीक है, इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट चेंज
क्या एक्सीलरेशन होगा भाई इसका, पहले मुझे बताओ कि कौन सा फॉर्मूला लगाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी सर इसमें, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी वी इक्वल्स फर्स्ट टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, वी की वैल्यू कितनी है? वी सर की 20 किलोमीटर पर आवर बार है। यू कितना है? जीरो जीरो। जीरो क्यों है सर? इनिशियल है ना, इनिशियल दे दिया है ना। एक्सीलरेशन कितना है वो तो टाइम फाइंड करना पड़ेगा, है। टाइम कितना है? 10 मिनट्स को टेन आवर्स में मिनट करना टेन पड़ेगा। मिनट्स की रेंज 1/6 आ जाता है, तो उससे वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 120 किलोमीटर पर चलो आवर स्क्वायर। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर पे स्टक करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, वी आर गिवन 3 कॉपर वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन। डिफरेंट एरियाज लेंथ है उनकी, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है, रेजिस्टिविटी पूछी गई है आपसे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है जो शायद आप लोग कैच कर पाए, बताइए क्या आंसर होगा। सर सेम होगी सब में। हाँ, यहाँ पर हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे वायर्स जो है रेजिस्टिविटी तो आपकी मटेरियल पे डिपेंड करती है ना। कॉपर वायर्स हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिजन इज करेक्ट। ठीक है, फिजन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो हमारा वो सही आ जाता है? सबसे पहला, इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय मीन्स ऑफ सेल डिविजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ट्रू, बायो का ट्रू क्वेश्चन। ट्रू सर, ये बायो का क्वेश्चन है ना, ये हमने बायो में किया नहीं। अच्छा, मैंने फिजन देख के इसको तो न्यूक्लियर फिजन वाला क्वेश्चन समझ लिया था। चलो लेट इट बी, ठीक है, ये सही होगा। इट इज रिलेटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियर इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। ट्रू ट्रू इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ अ हैवियर न्यूक्लियर बाय मीन्स ऑफ कंबाइनिंग टू हायर न्यूक्लियर। फॉल्स फॉल्स करेक्ट। Which of the following, which one of the following is an electric conductor? Human body. A human body. Human body. A non-spherical shining spoon can generally be considered as a spherical mirror. इसको parabolic mirror बोलते हैं। Who amongst the following is a pioneer in discovering the heating effect of electric current? James P. Joule. James P. Joule. James P. Joule. Which one of the following laws of electromagnetism does not give the direction of magnetic field? Left hand rule. Left hand. Faraday's laws or law of electromagnetic induction. How many internal reflections of light take place in formation of primary rainbow? More than two. Yeah. One. डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इन, ये समझ में आया ना? वन सर एक बार बता दे। एक ये जो हमारी रेनबो रहती है, इस रेनबो में आपका क्या बोलते हैं, कितना इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है? TIN की बात कर रहे थे ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, तो ये इसमें कितनी बार होता है बताओ? सर सर एक बार रिफ्लेक्ट होगा, एक बार रिफ्रैक्ट होगा। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक बार रिफ्लेक्शन होगी और एक बार रिफ्रैक्शन होगी। हाँ, तो इसमें TIR पूछा जा रहा है ना, एक बार होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्रैक्शन की हम बात ही नहीं कर रहे इसमें अभी, ये सही है ना? तो एक तो बार आपका एक ही बार हो रहा है ना, सिंपल। द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एट द ओरिजिन। यस सर, ऑप्शन बी। द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग द डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कुलर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यस सर, टेंजेंट होता था सर। दो एक्सीलरेशन होता है, एक तो टेंजेंशियल होता है, एक सेंट्रीपेटल होता है। क्या क्या तो ही तो दो एक्सीलरेशन होता है, एक टेंजेंट लिए तो होता है एक्सीलरेशन सर, एक सेंट्रीपेटल भी होता है। दो सेंट्रीपेटल ही होता है ना इसमें। द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग द, ये हमारा होता है, ठीक है, इस सर किसी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो टेंजेंशियल। एक सेकंड, ये तो हमारी फोर्सेस हो गई है ना, जो फोर्स लग रही हैं अलग अलग। सर एक फ्यूगल भी तो लगती है क्या बाहर की टॉवर्ड्स भी तो मैं लगती है उसी सर, की तो बात कर सर्कुलर रहा हूँ? तो टेंजेंशियल तो होती है।
वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है भाई। हाँ तो सर ऑप्शन डी आएगा फिर, में डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो टेंजेंट इक्वल टू द सर्कुलर पॉइंट ऑफ वेलोसिटी। ऑब्जर्वेशन। टेंजेंट टू द सर्कुलर सर अगर पॉइंट, वेलोसिटी टेंजेंट को देखो आपका जो एक्सेलरेशन है वो तो अंदर की तरफ लग रहा है, वेलोसिटी आपकी नहीं, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ जाता है सेंट्रीपेटल में, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो आपकी बाहर की तरफ जा रही है, ठीक। तो अगर हम इसको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से देखना चाहें, फिर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग द लाइन ऑफ, इज अलोंग द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी और टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। नहीं, अगर भाई हमारा डायरेक्ट इसमें सर्कुलर क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन हो रहा है, तो एक्सीलरेशन यहाँ पर हो रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यहाँ पर एक्सीलरेशन हमारा यूनिफॉर्म नहीं है ना, अगर हमारा एक्सीलरेशन यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है तो मतलब वेलोसिटी आपकी चेंज कर रही है कि नहीं। तो यस सर अगर वेलोसिटी हमारी चेंज कर रही है तो वो टेंजेंशियल कैसे रहेगी? सर वेलोसिटी तो वैसे भी चेंज ही करेगी, डायरेक्शन चेंज चेंज हो करेगी रही ना है डायरेक्शन के साथ है तो सिर्फ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर साथ, हो तो इसमें टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हो ही नहीं सकता, परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर वेलोसिटी टू वेलोसिटी डायरेक्शन सर परपेंडिकुलर रहेगी ना फिर तो वेलोसिटी के, है ना। कंफ्यूज यस सर कर देते हैं कि तुम लोग, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द फोर्स दैट इट एग्जर्ट्स ऑन द दैट ग्राउंड फोर्स दैट इट एग्जर्ट्स ऑन द ग्राउंड, द साइज ऑफ पार्टिकल्स बीइंग स्टडीड इन नैनो टेक्नोलॉजी इज अबाउट 1 to 100 नैनोमीटर 1 to 100 नैनोमीटर। आ जाते हैं 2020 पे, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गेट्स डबल ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल, इंक्रीज बाय कितना इंक्रीज करेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 times 2 times mv² 2 टाइम इंक्रीज करेगी, 4 times करेगी 4 टाइम कैसे करेंगी? देखो भाई लीनियर मोमेंटम हमारा टू फोर्स टाइम्स बटा एम वी आ जाता है ना, और इसमें बोला है लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गेट्स डबल्ड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, अगर मोमेंटम हमारा डबल हो गया है तो मोमेंटम डबल हो गया है यानी कि 2 रो हो गया है, तो इसकी वैल्यू भी हमारी क्या होगी? अगर अच्छा अगर हमारा मूवमेंट डबल हुआ है, मोमेंटम डबल हुआ है, अच्छा मोमेंटम डबल होने का मतलब क्या समझते हो? सर मोमेंटम मोमेंटम पी इक्वल्स टू एमवी होता है ना सर, काइनेटिक एनर्जी लगा देंगे तो 1/2 mv² हो जाएगा नहीं, मैं वही तो आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि मोमेंटम यहाँ पर एक थोड़ा सा कैच है जो शायद मुझे समझ में आ रहा है, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा हो, कि मोमेंटम हमारा इक्वल टू एमवी रहता है यानी कि मास इनटू वेलोसिटी रहता है, तो जब हमारा मोमेंटम बढ़ा है तो सीधी सी बात है हमारी वेलोसिटी बढ़ी है कि नहीं, वेलोसिटी की वैल्यू जो है अभी तो इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या मास भी बढ़ेगा क्या? सर वही तो, अगर हाँ मैनोस पॉइंट डबल डबल हो हो रही है रहा तो है, मास भी नहीं बढ़ेगा, काइनेटिक मास एनर्जी तो चार बढ़ेगा ना, वन मास तो आपका सेम रहेगा, मास कैसे बढ़ेगा, है यस ना। सर तो काइनेटिक एनर्जी मतलब और मोमेंटम में रिलेशन होता है, काइनेटिक हाँ वही 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 वही, एनर्जी इक्वल मास जो टू है वो सी सेम स्क्वायर रहेगा, बाय 12 हाँ वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाएगी, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 1/2 mv² हो जाएगा, mv की वैल्यू रहती है आपकी रो स्क्वायर अपॉन 2 m, और उसके बाद में अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 4² 2 m 2 हो गया, यहाँ पर अगर फोर्स फोर इंक्रीज टाइम्स हो गया तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज बाय फोर फोर टाइम्स टाइम्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी, वही क्वेश्चन आएगी हमारी m इक्वल फिर डिक्रीज टू कर जाएगी फोर m बाय डी स्क्वायर, डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच का हमारा दोगुना बढ़ा दिया गया यानी कि 2d² कर दिया गया है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या करेगी, ये टोटल 4d² हो जाएंगे, डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। ये आपकी डिक्रीज हो जाएगी बाय 4 टाइम्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू अल्ट्रावायलेट लाइट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट अल्ट्रावायलेट लाइट के रिस्पेक्ट में सही नहीं है? ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ट्रू, ट्रू ट्रू इट इज एन लॉन्गिट्यूडनल वेव, फॉल्स फॉल्स
इट्स वेवलेंथ इज शॉर्टर स्मॉलर देन द दैट ऑफ विजिबल लाइट. ट्रू. इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय सी एंड द स्पीड इन अ मीडियम इज बी देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कैन बी कैलकुलेटेड बाय सी अपॉन वी. And now, which of the following lenses will bend the light rays through the largest angle? ये बहुत सिंपल है वैसे तो भाई, कौन सा लेंस जो है वो आपका लाइट की रेस को बैंड करेगा एक सबसे क्या बोलते हैं थ्रू लार्जेस्ट एंगल. सर बड़ा एंगल बनाएगा तो पॉजिटिव पावर होगी और जिसकी पॉजिटिव पावर उससे ज्यादा बड़ा एंगल. फिर से रिपीट करना अनुज. सर मतलब बड़ा एंगल बनाना है, इट मींस कि जो ज्यादा हाईएस्ट पॉजिटिव पावर होगी है ना, सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव पावर कितनी है? +2.5 डायोप्टर की है ना, वो लाइट की रेस को क्या करेगा उतने ही ज्यादा एंगल पे क्या करेगा बेंड करेगा, है कि नहीं? यस सर. लोअर की कंपैरिजन में ठीक है, हायर पावर क्या इंडिकेट करती है यहाँ पर, एक स्ट्रॉन्गर कन्वर्जिंग इफेक्ट ठीक है, जो क्या करता है लाइट की डिस्टेंस लाइट को क्या करता है एक फोकस पे लेके आता है ठीक है. तो जिस लेंस की पावर सबसे ज्यादा है वो क्या करेगा लाइट की रेस को ज्यादा बैंड करेगा. बेसिकली पास की चीजों को क्लियर दिखाता है. हाँ. सब पास की चीजों को क्लियर दिखाता है. हाइपरमेट्रोपिया सर. A luminous object is placed at a distance of 40 cm from converging lens of focal length 25 cm. इसकी focal length 25 cm है, object को जो है आपका 40 cm रखा गया है ना, total इसका center of curvature कितना होगा 50 हो जाएगा है ना, तो 50 पे तो नहीं रखा है, यानी कि focal yes, और center of curvature के बीच में रखी गई है. तो image obtained in the screen is sir focus or inverted and magnified. Magnified होगी sir. Magnified image होगी हमारी है ना, रियल इन्वर्टेड और मैग्निफाइड हमारी इमेज होगी, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड. व्हेन अ लाइट रे एंटर्स इनटू अ ग्लास मीडियम फ्रॉम वाटर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो भाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? जीरो. जीरो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना वेरीफाइज द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड? थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म. Which one of the following combinations of source and screen would produce sharpest shadow of an opaque object? A point source and option A हो सकता है. Option A ही है. The property of sound waves that determines the pitch of the sound is its frequency. Yes, की आ जाती है फ्रीक्वेंसी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सरेज? दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड. बिल्कुल सही, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. दे हैव हाई पेनिट्रेशन लेंथ इन मैटर. दे हैव वेवलेंथ इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट, बट दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इनकी प्रॉपर्टी गलत है. एक्सरेज डोंट गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. क्यों? क्योंकि एक्सरे अपने साथ क्या नहीं कैरी करती है? इलेक्ट्रॉन. चार्ज कैरी नहीं करती. इफ वन ऑफ द थिंग्स इज नॉट ट्रू अबाउट द इमेज फॉर्मड बाय अ प्लेन मिरर, क्या सही नहीं है? इट इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ट्रू. ट्रू. इट इज लैटरल इन्वर्टेड. ट्रू. लैटरल इन्वर्जन भी होता है. इट इज अ रियल इमेज. वर्चुअल इमेज. तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. And it is formed as far as behind the mirror as in front of the object. True. True. And in a periscope, the two plane mirrors are kept. Angle of 45 with each other. बिल्कुल. Periscope कैसा रहता है भाई? ये हमारा tube रहता है ना? बंदा ऐसे यहाँ से सामने देखता है, तो फिर पहला एंगल आपका जो है मिरर आपको कुछ ऐसे रखा रहता है ठीक है. ये बंदे ने देखा 45 का डेविएशन हुआ, फिर ये आपकी जो लाइट है वो ऊपर गई, यहाँ पर एक और मिरर है और ये इस तरीके से 45 डिग्री का एंगल क्या है वो बना रहा है. एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ईच अदर. इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3×10⁸ m/s, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2. इसका सिंपल सा है, n इक्वल टू c/v से हम पता करते हैं है ना. यस सर. इसे कैलकुलेट करेंगे, n की वैल्यू क्या आएगी? 3/2. हमें 3/2 आएगी. c कितना है? 3×10⁸.
ठीक है, यहाँ पर v आ जाता है, कैलकुलेशन अगर हम करेंगे टू इंटू तो टेन रेस टू पावर पावर पहुंच जाएगा, v इधर आ जाएगा, v इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? यूवी यूवी रेस की होती है, उसका एक्स रेस की, लेकिन यहाँ ऑप्शन में यूवी रेस है, अल्ट्रावायलेट। द यूनिट ऑफ द फोर्स कॉन्स्टेंट के ऑफ आ स्प्रिंग इज न्यूटन पर मीटर न्यूटन पर मीटर। इफ एक्स इज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इन केल्विन एंड वाई इज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इन डिग्री सेल्सियस, देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन देम इज 273 x equals to 273 plus y. The resistivity P of a material may be expressed in the unit of ohm centimeter. वैसे तो ओम मीटर में करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो लेट इट बी द सेंटीमीटर ओनली। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन आर रेडियो वेव्स। रेडियो वेव। और यहाँ पर मेरे ख्याल से आपके जो है 80 क्वेश्चंस हो चुके हैं पूरे, ठीक है। तो फिजिक्स का भाई हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है, अब आपके क्यूएस बचे हैं। आज डेट कौन सी है? आज है 28 है ना, सो वी हैव 29, 31st को कोई क्लास नहीं करूंगा मैं, आप लोग चिल करें ना अपने हिसाब से करना। 2 दिन है, 2 दिन में हम लोग जो है वो फिजिक्स के, सॉरी साइंस के और हिस्ट्री के जो है क्यूएस करने वाले, ठीक है।